शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज अगर हम ये खुददारी की जिंदगी जी रहे हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा की मेहरबानी है। वो खुदगर्ज नहीं है सिर, हमारे बाबा का कर्ज है हम पर। ये जो सब तुम कह रहे थे ना अभी, प्यार करता हूँ, तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, तुम्हारा हमदर्द बनना है, प्लीज सिर, ये सब फिल्मी डायलॉग्स के लिए हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में कोई मायने रखता है ना, तो वो सिर्फ हमारे बाबा रखते हैं। हमारे बाबा का प्यार ही हमारी जिंदगी में सब कुछ है, और किसी के प्यार के लिए हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। आशी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मुझे तुमसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। हाँ, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मुझसे प्यार करो। मेरा प्यार एक तरफा है, ठीक है, तो एक तरफा ही सही, लेकिन तुम मुझे खुद से प्यार करने से नहीं रोक सकती। प्यार भरी नजरों से तुम उसे देखते हो, काश उन्हीं नजरों से तुमने एक बार मेरी तरफ देखा होता, काश तुमने मुझे भी प्यार किया होता, तो आज तुम अकेले नहीं होते। I hate her. नफरत करती हूँ मैं इस लड़की से। काश ये लड़की मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, पनौती है ये मेरे लिए। काश इसे कुछ हो जाए और मेरा सिर मेरे पास वापस लौट आए। तुम्हारी जानी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ, सेलिब्रेट करने आई हूँ। हैप्पी बर्थडे आशी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आशी, आशी क्या हुआ बेटा, तू इतनी दूर से क्यों चीखी? वो इसे लगा मैं इसकी जान लेने आई हूँ, मेरे हाथ में छुरी देख के डर गई। छुरी? हाँ, वो एक्चुअली आशी का बर्थडे है तो मैंने और निधि ने सरप्राइज प्लान किया था। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक यू बाबा। जन्मदिन मुबारक। आप पर गीत, तुम बस ये बर्थडे सरप्राइज के लिए इतनी रात को यहाँ पे आई? नहीं, मैं तो यहाँ रहने आई हूँ, अब मैं 6 महीने यही रहूंगी और तुम्हें ऐसे ही सरप्राइजेस देती रहूंगी। अब मतलब प्यार से। मेरी माँ तो यहाँ नहीं है, लेकिन मेरी दूसरी माँ है ना, अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। एनीवे, तो अब हम केक कट करें? हाँ हाँ, मैं तो काटने ही आई हूँ। हाँ? अब आशी का केक। चलो आशी, अब केक काटो, चलो बैठो। हैप्पी बर्थडे टू यू। जहर, जहर बना के रखती है हमारी जिंदगी। तुम्हें क्या लगता है, इस केक की मिठास से उस जहर को काट लोगी तो हमारा जहर तो कम नहीं होने वाला। अब आप लोग ही बैठ के खाइए इसका मीठा केक। आजी, यहां देख, आज तेरा जन्मदिन है ना, और जन्मदिन के दिन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए बेटा, खुश होना चाहिए। अब मैं जानता हूँ कि तेरी काकी काफी कुछ गलत बोल जाती है, लेकिन बेटा तू तो उसकी आदत जानती है ना, वो तो ऐसे ही करती है। और कोई बात नहीं, उसने केक नहीं खाया तो क्या हो गया?
एक कैंडिडेट तो कम हो गया ना, अभी सारा केक हम खा लेंगे। यार पहले मैं तुझे खिलाऊंगा। ये खाओ 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 खाओ। शुगर। हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल, भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जो भी तुम जिंदगी में चाहते हो ना, तुम्हें सब कुछ मिल जाए। हमारी जिंदगी में हमें जो भी चाहिए वो सब कुछ है, हमें और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। तो क्या कहूं, खाऊंगी क्यों नहीं आशी? एक नए जंग की शुरुआत करनी है तो मुंह मीठा करना तो बनता है। मनाओ जितनी खुशियां मनानी है, पर ये खुशियां बस कुछ देर की है। फिर देखना, जिस तरह तुमने मुझसे मेरी खुशी, मेरा प्यार छीना है ना, मैं भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा दिल तोड़ने की इतनी बड़ी सजा दूंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। ये सारी होगी जॉब वैकेंसीज, अब इन पर कॉल करते हैं। अरे आज का ये पेपर कहाँ? वाह, मैं सारे घर में पेपर ढूंढ रहा हूँ और आशी बिटिया सुबह सुबह पेपर के साथ क्या कर रही है भाई? बाबा वो कुछ जॉब की वैकेंसीज थी ना, तो वही देख रहे थे। बाबा आपसे एक बात पूछे, हम आपके स्टोर में काम कर सकते हैं क्या? आशी बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद तू सिद्ध के स्टोर में काम नहीं कर सकती हूँ या करना नहीं चाहती। ठीक है, देख अगर तेरा मन है, तू चाहती है, तो वो भी तो तेरी अपनी दुकान है, हमारा शोरूम तेरा अपना है ना, तू जब चाहे वहां आ सकती है, क्या प्रॉब्लम है? आ जा। क्यों अंकल? आशी आपके साथ क्यों काम करेगी वो? और इसे सिट के स्टोर में काम करने में अच्छा क्यों नहीं लगेगा? हाँ, क्योंकि मेरी सिट से सगाई टूट गई इसीलिए। नहीं आशी, तुम्हें मेरी वजह से अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। तुम पहले भी वहां काम करती थी और आज भी करो। जी शर्मा सर। आशी बेटा, वो जो नया शादी का कलेक्शन आया है उसका बंडल कहाँ रखा है? वो सामने वाले रैक में रखा है ना अंकल। ठीक है, हम देखते हैं। देखा अंकल, मिस्टर शर्मा को हर छोटे से छोटे काम के लिए आशी की जरूरत पड़ती है। इसका काम बोलता है, और इतनी अच्छी इतनी ईमानदार स्टाफ किसे नहीं चाहिए। ये वहां सब कुछ बहुत अच्छे से संभालती थी, इतना अच्छा काम है, सब इतना अच्छा चल रहा है, फिर बीच में छोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ अब अगर कुछ और बात है तो। बोलो आशी, कुछ और बात है क्या? आई लव यू आशी। पहले ही बहुत बवाल हो चुका है, जो नहीं सोचा था वो सब हो गया है। अब अगर बाबा को सिद्ध की बात पता चली तो इनके दिल को बहुत ठेस लगेगी। नहीं नहीं, हम बाबा को वो सब बता के बात को और नहीं बढ़ाएंगे। वैसे भी हमारा फैसला एकदम अटूट है, हमें अब वहाँ काम नहीं करना। जब काम ही नहीं करेंगे तो आगे बात बढ़ाने का सवाल ही नहीं। आशी कहाँ खो गई? मैंने तुमसे कुछ पूछा था, कोई और बात है क्या? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। और तुम जरा जाकर खाने की तैयारी करो, ये सारी सब्जियां काट लो। आंटी मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। वैसे भी अपने हाथ से खाना बनाने में जो मजा है वो नौकरों के हाथों में कहां। वाह वाह, क्या बात कही है। अरे ये कहकर तो तुमने हमारा दिल ही खुश कर दिया। घर की बेटियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दिल भी खुश हो जाता है और घर भी चहकने लगता है। पर अफसोस, ये बातें आजकल की लड़कियों के पल्ले नहीं पड़ती। आशी ये मुझे दो और जाने की तैयारियां करो, काम पे जाना है ना। समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे कहें सबसे कि अब हमें सिद्ध के साथ काम नहीं करना। सबके हजार सवाल, क्या जवाब देंगे? आशी जी। बाबा बेटा, मुझे लगता है कि हाथ में आया हुआ काम छोड़ना
कोई अकलमंदी की बात नहीं है। नहीं, तुम्हें काम नहीं करना है तो मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन एक काम करो, उन्हें एक नोटिस दे दो ताकि वो तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर सके। उसके बाद तुम चाहो तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, ध्यान रखना। जी बाबा।